हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो अगर हम इस समर्स में लगाते हैं तो वो हमें जो है नवंबर के एंड तक जो इसे फ्लावरिंग मिलते रहेंगी। और ये ऐसे प्लांट हैं जो परमानेंट है, जो हम एक बार अगर लगा देते हैं तो ये काफ़ी साल तक जो है हमारे गार्डन में ऐसे ही लगे हुए रहते हैं। और फ्लावरिंग जो है वो समर्स में होती है। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है हिबिस्कस का प्लांट, और ये एक बहुत ही अच्छा समर का प्लांट है। इसमें आप कई कलर लगा सकते हैं। इसमें आजकल मिनी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, बहुत सारे तरह के वैरायटी आ गए हैं, तो आप बहुत सारी वैरायटी लगा सकते हैं। और आप इस प्लांट को ज़मीन में या फिर है जो है बड़े गमले में लगा सकते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी जो है आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्लांट के पास। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट, और ये बोगेनविलिया का प्लांट है। ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, और इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो आप बहुत सारे कलर्स लगा सकते हैं। और इसे भी आप जो है थोड़े बड़े गमले या फिर अगर आप ज़मीन में इसे लगा सकते हैं तो ज़मीन में तो ये बहुत ही जल्दी फैलता है, और इसमें जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जो प्लांट है ये बहुत इजी टू केयर है, बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं समर्स में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारा थर्ड प्लांट। ये विंका का प्लांट है, जिसे हम सदाबहार के नाम से भी जानते हैं। और ये जैसा कि इसका नाम है सदाबहार, तो ये हर मौसम में खिलता है, कम या ज़्यादा खिलता है, लेकिन ये हर मौसम में खिलता है। हाँ, समर्स में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, और इसमें भी आजकल जो है काफ़ी वैरायटी के प्लांट आने लगे हैं, तो आप इसका जो है नॉर्मल वैरायटी भी लगा सकते हैं, देसी वैरायटी जिसे हम कहते हैं, और या फिर आप इस तरीके के जो है हाइब्रिड वैरायटी भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे कलर्स के जो है हाइब्रिड वैरायटी के जो विंका है वो लगा के रखे हुए। ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट, तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। फ्रेंड्स, ये है अडेनियम का प्लांट, और जिसे हम डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं। और ये भी एक समर्स का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये सिंगल पेटल का है, इसमें आपको जो है डबल पेटल के भी प्लांट देखने को मिलेंगे। और इस तरह से अगर आप इसे बोनसाई पॉट में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है, देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस प्लांट को तो आप ज़रूर इस समर्स में लगाएं। फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट। ये जत्रप्पा का प्लांट है, और ये भी बहुत ही अच्छा एक फ्लावरिंग प्लांट है। आप चाहे तो इसे ज़मीन में लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह इसे छोटे गमले, बड़े गमले, कैसे भी गमले में लगा सकते हैं। और अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी जल्दी जो है बढ़ने लगता है, काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, और एक ये ट्री का लुक आपको देगा, ट्री जैसा ये बन जाता है। और इसमें इस तरीके के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, बंच में आते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये करीबन 10 साल पुराना प्लांट है, और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है अभी भी। बस मैं इसकी जो है हर साल जो है इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ, और उसके बाद फिर से ये उसी तरीके से जो है ग्रो करता है, अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। ये है रजनीगंधा का प्लांट, और ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें काफ़ी अच्छी जो है इसके फ्लावर में स्मेल आती है, और इसका जो फ्लावर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा ब्लीडिंग हार्ट का ये प्लांट है, और इसमें भी बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आते हैं। मैंने ये प्लांट कुछ दिन पहले ही लाया है, तो अभी इसमें जो है फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, अभी प्लांट जो है थोड़ा सेटल हो रहा है इसमें। तो जब इसमें भी फ्लावरिंग होगी तो मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम इन सब की केयर कर सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारा रात की रानी का प्लांट, और ये भी बहुत ही अच्छा एक प्लांट है समर्स के लिए। इसमें रात में जो है बहुत ही अच्छी सी इसके फ्लावर की स्मेल आती है, और इसके जो फ्लावर्स है वो भी रात में ही खिलते हैं, और सुबह में जो है वो गिर जाते हैं। तो ये प्लांट को आप नाइट जैस्मिन के नाम से भी आपने सुना होगा, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। और अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ट्री लुक हो जाता है, ट्री बन जाता है। और अगर आप गमले में रखते हैं तो आप मेरी तरह इसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है, और इसकी आप कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही एक अच्छा प्लांट है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ।
ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट और ये एक्जोरा का प्लांट है जिसे हम रुकमनी भी हिंदी में आप जानते होंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और अभी जो ये आप देख रहे हैं ये मिनी वैरायटी है। इसमें एक बड़ा वैरायटी देसी वैरायटी भी आता है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है लगाने के लिए। और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो इस तरह से बंच में खिलते हैं और एक साथ जो है काफ़ी सारे जब बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। अभी तो मेरा प्लांट काफ़ी छोटा है इसलिए आपको कम बंच नज़र आ रहे होंगे। तो ये ड्वार्फ वाली वैरायटी आप कोई भी वैरायटीज़ की लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर्स में भी ये आता है, जैसे पिंक, येलो, रेड, वाइट, बहुत सारे कलर्स में आपको ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्लांट्स के नेम जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और परमानेंट फ्लावरिंग कहने का मतलब कि ये जो इसकी जो ग्रोथ है वो हमेशा होते रहती है। ये नहीं कि गर्मी में खिलेंगे और फिर ख़राब हो जाएंगे, ये हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही रहेंगे। बस जो फ्लावरिंग होती है वो गर्मी में होती है, मतलब नवंबर के एंड तक जो है इन सब में फ्लावरिंग होते रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो एक वीडियो में कवर करना सबको पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूंगी कि और भी कौन कौन से हम लगा सकते हैं प्लांट्स को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।